हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का। तो इसमें ये वीडियो का पार्ट वन होने वाला है। तो इसके बाद भी मैं और भी वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दिन तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, बट आप लोगों को तब तक इन क्वेश्चन से अपनी तैयारी करनी और अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू बनाए रखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लगातार लाता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाया करे, ठीक है। और मेरे पीडीएफ पाने के लिए आप और या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे आप लोग मेरे उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन होता है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे चैनल के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। और भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के या अन्य जो वीडियो हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर प्रोवाइड हैं। आप लोग अगर खोल कर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल को खोल कर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के बाद आप लोग सेकंड सेमेस्टर ढूंढ लीजिए और उसमें आप लोगों को सारे वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप शरीर विज्ञान मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी के पिता कौन है, फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी कौन है। तो स्टीफन हेल्स हैं। कौन से हैं? स्टीफन हेल्स हैं। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं कि भारत में पादप शरीर विज्ञान के जनक कौन है। तो मतलब भारत में क्या है कि क्रॉप फिजियोलॉजी, फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी इन इंडिया, मतलब तो भारत में कौन थे? जगदीश चंद्र बसु थे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें बात की गई है कि पादप कारकी द्वारा किसे नियंत्रण किया जाता है। पादप कारकी द्वारा मतलब किसके नियंत्रण किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि एवं विकास पर नियंत्रण किया जाता है। किस पर? पादप कारकी द्वारा मतलब क्रॉप फिजियोलॉजी के द्वारा पौधों की वृद्धि एवं विकास पर नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने वाला पादप हार्मोन कौन सा होता है। तो फलों को पकाया जाता है तो पादप हार्मोन उसमें कौन सा यूज किया जाता है? तो इथाइलिन या इथिलीन भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पौधों की वृद्धि को घटाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। पौधों की वृद्धि को घटाना मतलब ये जो होता है पौधों की तने की लंबाई को बढ़ाता है, लेकिन पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनकी लंबाई को मतलब उनके विकास को रोकता है। तो क्या होता है? ये साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन का कार्य होता है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात करते हैं कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। पौधों में जो वृद्धि की जाती है उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो उसके लिए सोडियम हमारा आवश्यक होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है। तो पादप वृद्धि हार्मोन मतलब जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, जिससे हम उसका विकास को बढ़ा सकते हैं, तो वो कौन सा होता है? तो वो जिब्रेलिन होता है। कौन सा होता है? जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आता है कि पौधों में लबड़ों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो पौधे जो लबड़ों का अवशोषण करते हैं किस रूप में करते हैं? तो वो आयनों के रूप में करते हैं। किस में करते हैं? आयनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे प्रायः मृदा में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो किस रूप में करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में करते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग होने वाला पोषक तत्व कौन सा है। मतलब जो जिंक होता है ये सूक्ष्म मात्रा की श्रेणी में आता है। जिंक का जो प्रयोग होता है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में किया जाता है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हरे पौधों में संश्लेषित खाद्य पदार्थों का बहन बाह्य पत्तियों से अन्य अंगों की ओर जो जाता है वो किसके द्वारा जाता है। हरे पौधों में जो खाद्य पदार्थों का बहन होता है मतलब जो किस अंग के द्वारा जाता है, तो क्या पार्ट्स का नाम होता है? तो उसमें नाम होता है फ्लोएम के द्वारा जो होता है, फ्लोएम जो पार्ट्स होते हैं पौधे में उनके द्वारा क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है वो पूरे पत्तियों में मतलब पूरे पौधे में जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट में आता है श्वसन का स्रोत क्या होता है। श्वसन का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? तो वो खाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ के बिना हमारा श्वसन नहीं होगा, पौधों का श्वसन, सॉरी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, श्वसन में पौधों की कौन सी गैस निकलती है। श्वसन में पौधों से कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के समय में जो पौधों से गैस निकलती है वो CO2 निकलती है। कौन सी निकलती है? CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बिंदु स्राव गुटेशन क्या होता है? तो गुटेशन क्या है कि पौधों में जल रंध्रों द्वारा जल का द्रव रूप में निकलने की क्रिया जो होती है वो गुटेशन कहलाती है। पौधों में जल रंध्रों द्वारा जल का द्रव रूप में निकलने की क्रिया जो होती है वो क्या होती है? बस वो गुटेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाष्पोत्सर्जन दर मापी जाती है। तो बाष्पोत्सर्जन दर जो होती है हमारी, ट्रांसपायरेशन रेट जो होती है वो किससे नापी जाती है? वो पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आता है कि पुष्पीय हार्मोन किसे कहते हैं। पुष्पों द्वारा जो हार्मोन हमें प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, उस हार्मोन का नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है फ्लोरीजन। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं छाँट कर लाता हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि उनके भी एग्जाम है, सभी के एग्जाम है, ठीक। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को लगातार चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बसंतीकरण शब्द किसने दिया, तो बसंतीकरण शब्द किसने दिया था, लाइसेंको ने दिया था 1928 में, मतलब 1928 में लाइसेंको ने बसंतीकरण बर्निलाइजेशन शब्द का दिया था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित जो सिद्धांत होता है, मतलब मृदा द्वारा जल कैसे अवशोषित किया जाता है, मृदा जल को कैसे अवशोषित करती है, तो ये जो सिद्धांत होता है वो कौन सा होता है, तो केशिका क्रिया का सिद्धांत होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि पौधों में पौधों के पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का क्या नाम होता है, जो पौधे के पृष्ठ पर, मतलब पौधों के जो पृष्ठ पर जो लघु छिद्र, मतलब छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है, तो उन्हें रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंध्र, स्टोमेटा कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि पौधों में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है, तो पौधों में हीमोग्लोबिन के जैसा, जैसे कि पशुओं में कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, उनमें एक मतलब अणु होता है, मतलब हार्मोन्स होता है, जो भी होता है, पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, तो उसी प्रकार से पौधों में कौन सा ऐसा अणु होता है जो पौधों में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है आप लोगों का कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो वो भी क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, ये दोस्त याद रखना आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों के लिए जरूरी लेकर आए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब एग्जाम देने पहले जाएँ तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक मैराथन क्लास जरूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो उसमें आप लोगों के करीब कम से कम 50 क्वेश्चन रखे जाएंगे, तो वो क्लास आप लोग जरूर करके जाइएगा और उस क्लास का जरूर वेट करिए, आप लोगों को एक दिन पहले एग्जाम से प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।